उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे का आज 12वां दिन है। यहां टनल में फंसे 7 राज्यों के 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में है। सीएम धामी भी सिलक्यारा पहुंचे। सीएम धामी ने टनल में फंसे मजदूरों से बात की। उन्होंने मजदूरों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। सीएम धामी ने सभी मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम धामी ने घटनास्थल पहुंचकर सीएम धामी ने भोकनाग देवता के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सभी श्रमिकों की कुशलता के लिए कामना की। हाँ गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना, ये तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं, ये सारी बातें सबको बता। चलिए बहुत ठीक है, खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है, मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ सब लगे हैं बिल्कुल, यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है, अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी, अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी, बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना।